अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ ओनस टैप 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 जो टेलीग्राम का बोट चल रहा है, और ये एक एक्सचेंज है जिनका अपना टेलीग्राम बोट है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, इसको लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। और इसका विड्रा के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं पता, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में काफ़ी सारे दोस्तों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा ये सेकंड अकाउंट है। तो ये कुछ ओल्ड जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनके वैसे ही लो जो ये बोट वाले हैं, इनके ऑनर ने इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल किया था तो बेसिक KYC आई थी, तो उससे उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओके हो गया था और उनकी टिक लग गई थी। और उनके जितने भी यहाँ पर कोइन बन रहे हैं जो ओनस टैप टैप की जितनी भी फार्मिंग कर रहे हैं, वो सारे वो यहाँ पर उनकी जो एक्सचेंज है ओनस टैप टैप की एप्लीकेशन उसमें विड्रा करवा सकते हैं। जब लिस्टिंग आई थी वहाँ से ही कन्वर्ट करके वो सेंड रिसीव भी कर सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं। वो सारे जिस तरह बाइनेंस की एक्सचेंज है या कोई भी बड़ी एक्सचेंज है उनका अपना जिस तरह बोट होता है, तो ये सेम वही चीज़ है। यहाँ पर ये सेकेंड है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बीकम अ वैलिड यूज़र टू रिसीव ONX एयर ड्रॉप। यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है, कनेक्ट टू ओनस अकाउंट जो एप्लीकेशन में आप करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 360,000 यूज़र हैं तकरीबन जो एलिजिबल हैं। तो ये मेरे सेकंड अकाउंट है, उस पर ये मैं एलिजिबिलिटी करा रही, मेरा ओके है। तो अभी मैं जो है ये दूसरा अकाउंट जो है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसकी KYC आपने कैसे करनी है और कुछ अपडेट्स यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर आपने काम किस तरह करना है वो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट KYC के बारे में बताऊँगा। डेली चेक इन आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टोन पड़े हैं तो ये टोन ट्रांजेक्शन फ्री नहीं है, रोज़ाना 0.1 टोन आपके लगेंगे और आपको यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये एक हो गया, यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ पर एयर ड्रॉप और ये फार्मिंग है, फार्मिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हर 4 घंटे के बाद आपके यहाँ पर ये स्पीड होती है, ये देख सकते हैं 475 पर आवर मेरी स्पीड है। और यहाँ से ये नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड ओनस KYC और ये सारे लेवल आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनको अपग्रेड करते रहेंगे तो आपकी जो पर आवर स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये टैप वाला सेक्शन है, ये आप टैप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको टैप्स वगैरह मिलेंगे जितने आप टैप करेंगे, और यहाँ पर आपने क्लेम कर लेना है। क्लेम करने के बाद यहाँ पर कीप टैपिंग, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया फार्मिंग वाला, ये फार्मिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने हर 4 घंटे बाद क्लेम करना है और स्टार्ट न्यू साइकिल जो है अगेन शुरू कर लेना है। उसके बाद ये आप फ्रेंड्स वाला सेक्शन है, और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स का भी रिवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद ये काफ़ी सारे टास्क यहाँ पर मिलते हैं वो आपने कर लेने हैं। डेली स्टोरी आप पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इनकी जो टेलीग्राम की पोस्ट आती है, या आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, अभी यहाँ पर ये होम पर जाते हैं, और होम पर जाने के बाद ये देख सकते, ये मेन इंटरफेस है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये एरो का निशान आ रहा है नीचे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये विड्रा का सिस्टम है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी तकरीबन 1 लाख के करीब ONX पॉइंट्स पड़े हैं, तो जैसे ही मैं मैक्स करता हूँ लेकिन मेरे पास ये मैक्स भी नहीं हो रहे, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यूज़र इज़ नॉट एलिजिबल। ये आपके पास भी होगा क्योंकि मैंने आपको सेकंड अकाउंट दिया उसमें एलिजिबल मेरा ओके हो चुका है। तो ये न्यू अपडेट आई है, तो उसके बाद इसका आपने कैसे करना है, एक तो आपने इसकी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपने प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बीकम अ वैलिड यूज़र, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन ओनस अकाउंट, ये एप्लीकेशन में ओपन करना है, कनेक्ट टू ओनस अकाउंट यहाँ पर लिखा होगा, ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक KYC, तो बेसिक KYC पर आपने क्लिक करना है क्योंकि नीचे लिखा है चेक एलिजिबिलिटी। अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना ID कार्ड। आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, एक तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ोटो अपना जो जो आपको कॉर्नर मिलेगा उसमें आपने अपलोड करना है, नंबर एक। दूसरे नंबर पर बैक भी उसी तरह ब्लर ना हो, बिल्कुल साफ़ हो, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपना ओरिजिनल ID कार्ड का जो नाम लिखा है वो एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, और आपने ID कार्ड नंबर जो है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को जिस चीज़ का एरर आ रहा है, जो मुझे भी आया था, तो मैंने ट्राई किया लेकिन मैंने जब उनकी मेल चेक की तो मेरे पास मैसेज आया था कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है जी 3A201, उसके आगे डैश लिखा है, एक छोटा सा डैश है, वो कौन सा डैश लगाना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सारी आपने फॉर एग्जांपल ये लिख लिया 38201, ये ऊपर लिखा हुआ शो भी हो रहा हो। ये आपने कौन सा डैश डालना है, ये वाला डैश, ये अंडरस्कोर नहीं डालना, ये डैश डालना है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड जो भी आपका आता है, फॉर एग्जांपल ये है, उसके बाद ये, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ ने आपने यहाँ पर ये डॉट लाजमी ऐड करना है, यानी कि जिस तरह आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है सेम उसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, तभी आपका ये अप्रूव होगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपके सामने अपलोड कर भी देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपनी आईडी कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ देनी, डेट ऑफ बर्थ में आपके आईडी कार्ड का डॉट लिखी है तो ऑटोमेटिक ये जब इसको सिलेक्ट करेंगे वो खुद ही डैश इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने इमेज जो है वो फ्रंट सेल्फी लेनी है और 5 सेकंड की वीडियो जो है ऑटोमेटिक ये क्रिएट करेंगे।